Hello everybody, a very warm good evening to all of you and welcome to Unacademy. This is your educator Surbhi and I welcome you all to the largest online learning platform of India, that is Unacademy. So, start karne se pehle, let's discuss about today's topic. So, aaj ki topic hai hamari kya vaccine and immunization. Theek hai, aaj hum baat karne wale hai vaccine aur immunization ke baare mein. And these two topics are important with respect to your examination. And also we are going to see the types of vaccines like live attenuated, inactivated, then subunit vaccines and all that thing. So before moving into the topic, let me first introduce myself. So my name is Surbhi and I am a PhD student at IIT Guwahati and I have qualified CSIR NET examination in June 2019. And also I have qualified GATE in 2019 and 20 in the biotechnology stream. So moving to the topic, first of all I would like to discuss that ये जो अनअकैडमी की प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस प्लेटफॉर्म के. सो हियर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस जहाँ पे आप अपने एजुकेटर्स के साथ वन टू वन इंटरेक्शन कर पाओगे, अपने डाउट्स पूछ पाओगे, डिस्कशंस कर पाओगे एंड यू कैन आंसर इन द पोल्स दे आर ऑर्गेनाइजिंग व्हाइल द क्लास इज गोइंग. ठीक है, तो लाइव क्लासेस के अंदर ये बेनिफिट्स होती हैं कि वो आप इंटरेक्शन करते हो, आपको अगर ड्यूरिंग द क्लास कोई डाउट आता है तो इन टाइम आप वो डाउट पूछ सकते हो. तो ये बेनिफिट हो गया लाइव क्लास का. इसके साथ ही यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज और क्विजेज अटेंड करने का मौका मिलेगा. और ये जो टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं, टाइम टू टाइम जो मेगा क्विजेज, वीकली क्विजेज होती है, ये आपको हेल्प करेगी टू इवेलुएट योर परफॉर्मेंस, टू इन्हांस योर परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम. एंड इसके साथ आपको यहाँ पे और क्या मिलती है, आपको मिलती है वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिजाइन कोर्सेज. और ये कोर्सेज जो होती हैं वो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाई जाती है ताकि आपका पूरा का पूरा जो यूनिट है 1 to 13 यूनिट वो कवर कराया जा सके और आप अपने हिसाब से अपने यूनिट्स चूज करके पढ़ सको और उनके टेस्ट दे सको, उनके क्विजेज अटेंड कर सको. और साथ साथ में एक चीज़ यहाँ पे है, वो है अनलिमिटेड एक्सेस. तो ऐसा नहीं है कि आप एक वीडियो को एक बार ही देख सकते हो और सिर्फ लाइव वीडियो ही देख सकते हो. आपको अगर लाइव वीडियो कभी नहीं देख पाए सपोज, तो आपको उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल कराया जाता है. तो ये चार बेनिफिट्स के साथ डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विज सेशन, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस, विद दीज फोर बेनिफिट्स अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अभी तक बना हुआ है. और यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल प्लस क्लासेस, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विथ स्पेशल क्लासेस. और ये जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो बिल्कुल फ्री होती है सबके लिए. यहाँ पे आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आपको बस अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको वहाँ पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है. एंड आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोफाइल यू हैव टू गो फॉर योर गोल, दैट इज CSIR UGC NET. एंड आफ्टर सेलेक्टिंग योर गोल आपको सिर्फ स्पेशल क्लासेस सेलेक्ट करनी है. और स्पेशल क्लासेस कैटेगरी में आपको बहुत सारे एजुकेटर्स के वीडियोज मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे और वो बिल्कुल फ्री होंगे. या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वहाँ पे, फिर यू हैव रिविजन सेशंस, यू हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस, यू हैव PYQs डिस्कशन. तो ये सारी चीज़ें जो है ये इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत फ्रीक्वेंटली फ्री में मिलेगा. तो ये भी एक बेनिफिट है. इसके साथ ही साथ ये प्लेटफॉर्म जो आपको प्लस कोर्सेज, तो इन प्लस कोर्सेज में देयर आर सेवरल प्लान्स अवेलेबल फॉर यू और आप अपने अकॉर्डिंग वो प्लान परचेज कर सकते हो जब भी आपको एग्जाम देना हो. ठीक है, तो लेट्स से आपको एग्जाम देना है इन द मंथ ऑफ जून नेक्स्ट ईयर, तो आप आराम से 12 मंथ्स के प्लान के लिए जा सकते हो जो कि आपको मिलेगा 10,395 रुपीज़ में. इसमें आपको 10% ऑफ मिल रहा है. और ये 10% ऑफ लेने के लिए आपको देखो यहाँ पे मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा, दैट इज SURBHI01. और आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे और आपको मिलेगा 10% का ऑफ. ठीक है, और साथ में आपको मिलेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज इंट्रोडक्टरी पार्ट. एंड नाउ मूविंग टू द डिस्कशन पार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ टूडेज डिस्कशन इज इम्यूनाइजेशन. सो इम्यूनाइजेशन होता क्या है?
Immunization is a process of eliciting a long-lived state of protective immunity against a disease-causing pathogen. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो फॉर अ डिजीज कॉजिंग पैथोजन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्यूनाइजेशन. सिंपल, ठीक है. तो या तो आप किसी लाइव पैथोजन का एक्सपोजर करके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट एंटीबॉडी को एडमिनिस्ट्रेट करवा के इम्यून सिस्टम का एक्टिवेशन कर रहे हो. तो बेस्ड अपॉन द मेथड दैट इज बीइंग यूज्ड टू इम्यूनाइज, देयर इज अ क्लियर कट टू डिविजन. वन इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वन इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन. और जब हम पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं, तो इन पैसिव इम्यूनाइजेशन द परफॉर्म्ड द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड इनटू द रिसिपिएंट यूजुअली. और ऐसा सिस्टम होता है ये, जहाँ पे आप डायरेक्ट एंटीबॉडी लेते हो, जैसे किसी डोनर ऑर्गेनिज्म से आप क्या करोगे, एंटीबॉडी को आइसोलेट करोगे फ्रॉम देयर सीरम, एंड नाउ दीज एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द रिसिपिएंट बॉडी. ठीक है, तो रिसिपिएंट बॉडी में डायरेक्ट आप एंटीबॉडी ही इंजेक्ट कर रहे हो. इसका मतलब क्या है कि आप जो रिसिपिएंट है उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसको एक्सटर्नल एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रहे हो ताकि पैथोजन का किलिंग हो सके. तो हियर यू आर नॉट एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम, यू आर जस्ट प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द पैथोजन. तो दिस इज द पैसिव इम्यूनाइजेशन, जहां पे आप जैसे आप मेडिसिन लेते हो ना, एक बार आपने मेडिसिन लिया, आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया, फिर वो प्रॉब्लम दोबारा होगा, आपको फिर से आप मेडिसिन आपको लेनी पड़ेगी. तो सिमिलर टू दैट आपका पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है कि आपने एक बार IgG लेट से एंटीबॉडी को क्या किया, हमने आपको दिया, ठीक है, तो आपको कोई इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, अगेन वो इन्फेक्शन फिर से होगा, फिर से आपको वो एंटीबॉडी देनी पड़ेगी. तो दिस इज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन, जहाँ पे आपके खुद की इम्यून सिस्टम की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, यहाँ पे डायरेक्ट एंटीबॉडी का एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिया जाता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इन द इम्यूनाइजेशन पार्ट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन. तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इन्फेक्शन करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी पैथोजन डायरेक्टली और पैथोजन इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्सीन. सो एक्टिव इम्यूनाइजेशन कैन बी अचीव्ड बाय नेचुरल इन्फेक्शन विथ अ ऑर्गेनिज्म, और इट कैन बी एक्वायर्ड आर्टिफिशियली बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन. सो यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्या कराया जा रहा है, पैथोजन से आपकी बॉडी को इंड्यूस कराया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्सीन और इन द फॉर्म ऑफ अ नेचुरल पैथोजन. और वाइल डूइंग दिस आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खुद एक्टिवेट होता है अगेंस्ट दिस पैथोजन. And during the active immunization, your B cell, T cell will start to proliferate by recognizing these pathogens, and the activation of cell-mediated immunity, humoral immunity will occur. And finally, it will result in the formation of a protective memory cell also. So for an active immunization, you have a prolonged effect. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने आज active immunization के लिए वैक्सीन इंजेक्ट किया, तो वो वैक्सीन जाके सेल मेडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी को इफेक्ट करेगा, एक्टिवेट करेगा, और साथ ही साथ मेमोरी सेल भी डेवलप करवाएगा. और मेमोरी सेल के डेवलप होने से क्या हो जाएगा कि आप अगर सेकेंड टाइम जब एक्सपोज्ड होगे उस सेम पैथोजन से, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको इन्फेक्ट होने से पहले ही उसको एलिमिनेट कर देगा. सो इन द एक्टिव इम्यूनाइजेशन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेमोरी सेल्स. बस पैसिव इम्यूनाइजेशन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे तो इंसान की खुद की इम्यून सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है. सो देयर इज नो रोल ऑफ इम्यूनिटी, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेमोरी सेल, देयर इज नो प्रोटेक्शन फ्रॉम सेकेंड एक्सपोजर. तो ये मेजर डिफरेंस हो गया पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बीच में. अब आपको अगर इम्यूनाइजेशन इंड्यूस करवाना है तो आपको क्या यूज करना होगा, आपको यूज करना होगा वैक्सीन. तो वॉट आर वैक्सीन, वैक्सीन आर नथिंग बट बायोलॉजिकल प्रिपरेशन that are produced from the living organism that has the ability to enhance the immunity against a particular disease. So vaccines are biological preparations that are synthesized in a lab or in a particular research organizations, and they can be produced from a living organism, they can be derived from a living organism that has antigenic potential to induce the immunity. So basically the type of vaccine we are using and we are studying is around 5 different kinds. So first is the live attenuated, then there is inactivated vaccine, then there is a recombinant subunit vaccine, then there is a toxoid vaccine,
एंड पॉलीसेकेराइड प्रोटीन कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये पांच कैटेगरीज के वैक्सीन को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और लाइव एटेन्यूएटेड के केस में अगर आप एग्जांपल देखो तो द एग्जांपल्स आर मीजल्स, मम्स, रूबेला, वैरिसेला एंड अदर काउपॉक्स वैक्सीन फॉर एग्जाम्पल। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एक कैटेगरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, उसके एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल एंड पॉलीसेकेराइड, न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड। ओके, सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। फॉर द रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन द एग्जाम्पल इज हेपेटाइटिस बी। फॉर द टॉक्सोइड वैक्सीन वेयर द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स आर यूज्ड, उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है आपके लिए टेटनस और डिप्थेरिया। टेटनस और डिप्थेरिया के लिए मेनली जो वैक्सीन यूज होता है वो होता है टॉक्सोइड वैक्सीन। देन अदर कैटेगरी ऑफ वैक्सीन इज द पॉलीसेकेराइड प्रोटीन कॉन्जुगेट एंड इट कैन बी यूज फॉर न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन एंड हीमाटोफिलस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन। तो ये पांच कैटेगरीज के वैक्सीन हो गए और ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। और अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, एक एक वैक्सीन को डिटेल में हम उनके स्ट्रक्चर्स और उनका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है वो हम अब स्टडी करेंगे। The first vaccine is the live attenuated vaccine. Live attenuated vaccine में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, जो भी पैथोजन जिसके लिए हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है, वो पैथोजन हम लेते हैं और हम क्या करते हैं उनको क्या करते हैं attenuate कर देते हैं, attenuate या फिर उनको हम disarmed कर देते हैं, so that they will lose their ability to multiply. Sorry, they will lose their ability to cause diseases. So एक pathogen होगा, उस पैथोजन को आप क्या करोगे, उस पैथोजन की जो विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनेसिस, फॉर कॉजिंग द डिजीजेस, आप उन सारे पैथोजन्स के जो फैक्टर्स होते हैं विरुलेंस फैक्टर, उनको आप क्या करोगे, उनको आप कर दोगे रिमूव। एंड नाउ दीज पैथोजन्स आर नॉट विरुलेंट, दे आर नॉट पैथोजेनिक, बट दे कैन मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, वो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर पाते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जहां पे उस जो आपके पास वैक्सीन है, जो भी आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आपने प्रोड्यूस करा है, फॉर दैट यू हैव द मल्टीप्लीकेशन कैपेसिटी स्टिल देयर, बट द कैपेसिटी फॉर दिस पैथोजन टू इंड्यूस द डिजीज, टू कॉज द डिजीज is lost. So these are the kind of live attenuated vaccines. And for the first time, the vaccine that is used by Dr. Jenner is this type of vaccine in which the inoculation of humans with the vaccinia virus in an inactivated or in a live attenuated form will provide immunity to the smallpox. So ye study sabse pehle dekha gaya tha ki jab cowpox jo virus hai usko jab इनएक्टिवेट एटेन्यूएट करके ह्यूमन में इंजेक्ट करा गया तो दोज ह्यूमन्स आर टॉलरेंट और इम्यून अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन। तो यहाँ से वैक्सीन का कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ और उस वैक्सीन को नाम दिया गया लाइव, बिकॉज दे आर लाइव, बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग, बट दे आर एटेन्यूएटेड, एटेन्यूएटेड इन द सेंस दैट देयर पैथोजेनेसिस इज लॉस्ट, सो दे आर द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वैक्सीन इज द इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। So sorry for the inconvenience. Yeah, and the second category of vaccine that we are going to discuss is the inactivated vaccine or the killed vaccine. So in this category, the pathogen is first of all treated with certain chemicals or it can be heated directly and thus killing the organism and making it incapable of replication. Okay. But they can also allow to induce the activation of immune responses, because the killed pathogens also have some of the antigens remain within themselves. So even after you have killed the pathogen, but their antigenic potential is still there and they can activate the immune system. So
बेसिकली आप एक पैथोजन को लोगे, उस पैथोजन को क्या कर दोगे, या तो आप हिट कर दोगे या फिर उसको किसी केमिकल से ट्रीट कर दोगे, और उस पैथोजन को आप क्या कर दोगे, डेड कर दोगे. एंड आफ्टर दिस दिस दैट पैथोजन दैट हैज दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ रेप्लीकेशन, नाउ दीज pathogens in the dead form is injected into the system to induce the immunity. So they are used as vaccines. Okay. तो ये कैटेगरी हो गई आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, वहां पे आप आइदर हिट करके या फिर केमिकल्स के साथ ट्रीट करके पहले पैथोजन को किल करते हो, देन दे कैन बी यूज्ड टू इंड्यूस द इम्यूनिटी एंड दे आर नोन एज इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मैकेनिज्म इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एपिटोप ऑन द सर्फेस ऑफ द एंटीजन ड्यूरिंग इनएक्टिवेशन. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है, जरूरी क्या है, दैट आप पैथोजन को किल तो कर रहे हो बट द पैथोजन शुड रिमेन और शुड मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर एपिटोप्स दैट इज एंटीजन ऑन देयर सरफेस इंटैक्ट. मतलब अगर उस एंटीजन की जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, जो एपिटोप्स है दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एंटीजेनिसिटी, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, देर इज नो पॉइंट ऑफ वैक्सीनेशन. सो जनरली आप हीट इनएक्टिवेशन प्रोसेस को अवॉइड करते हो बिकॉज दे विल रिजल्ट इन एक्सटेंसिव डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड योर एंटीजन आर नथिंग बट प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स. तो अगर आप हीट इनएक्टिवेशन मेथड यूज कर रहे हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स और एपिटोप्स या फिर एंटीजन जो है वो डीनेचर हो जाते हैं. तो यूजली दीज हीट इनएक्टिवेशन मेथड्स आर अवॉइडेड. नाउ the next thing is the chemical inactivation. So the chemical inactivation process, it can be done with the help of formaldehyde or various other alkylating agents. और ये method बहुत successful देखा गया है, वो protein को intact रहता है, protein के structure में भी कुछ problem नहीं लाता है and immunization भी body में induce हो जाता है. So basically heat inactivation method is not preferred because it will result into the denaturation. द प्रिफर्ड मेथड इज द केमिकल इनएक्टिवेशन मेथड, जहाँ पे आप ट्रीट करते हो विथ फॉर्मेल्डिहाइड और विथ सर्टेन एल्काइलेटिंग एजेंट्स टू इनएक्टिवेट द बैक्टीरिया, टू किल द बैक्टीरिया और टू किल एनी पैथोजन, नॉट ओनली बैक्टीरिया. एंड वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिवेटेड और किल्ड पैथोजेनिक वैक्सीन दैट इज बीइंग यूज्ड इज द पोलियो वैक्सीन. एंड द सॉल पोलियो वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाई ट्रीटिंग विद द formaldehyde. ठीक है. So is it clear? So the soy polio vaccine that is produced by the formaldehyde inactivation, and these formaldehyde inactivated vaccines are known as the polio वायरस. ठीक है. और ये वैक्सीन पोलियो वायरस के लिए जो आप यूज करते हो वो हम होता है कौन सा कैटेगरी में आता है, हमारे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में. सो द किल वैक्सीन विल ऑफन रिक्वायर रिपीटेड बूस्टर डोजेस. व्हाई? बिकॉज ये जो किल्ड वैक्सीन होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं. तो वो आपने एक बार उनको इंजेक्ट किया, उन्होंने अपना इम्यूनाइजेशन इंड्यूस किया, एंड आफ्टर इंड्यूसिंग द इम्यूनाइजेशन वो इम्यूनाइजेशन जो है वो कुछ टाइम के बाद फिर से डिक्लाइन कर जाएगा. So in this cases, you have to provide repeated booster doses to achieve a protective immunity status. So आपने इसलिए देखा होगा कि जब पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो सिर्फ एक बार नहीं दिया जाता है. पोलियो का वैक्सीन आपने देखा होगा मल्टीपल टाइम्स दिया जाता है इन द चाइल्डहुड. 1 to 5 ईयर के चिल्ड्रन को, बेसिकली 0 to 5 ईयर के चिल्ड्रन को मल्टीपल टाइम्स पोलियो वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है. तो इन्हीं सारे मल्टीपल टाइम जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसी को हम बोलते हैं रिपीटेड बूस्टर डोजेस. एंड द किल्ड वैक्सीन दे यूजुअली इंड्यूस द ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेस, मीन्स दे आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी वो मोस्ट
जो है वो एक्टिवेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट So we are discussing about the killed vaccines, and these vaccines they will require booster doses. Why? Because they do not replicate within the host cell. And the killed vaccine, they typically induces a humoral antibody responses, that is humoral immunity. And the killed vaccines typically induce a predominantly humoral antibody response and are less effective than the attenuated vaccine in inducing the cell mediated immunity. So basically these vaccines are responsible for the induction of humoral immunity, aur ye cell mediated immunity ko induce nahi kar pate. So ye basic difference ho gaya attenuated vaccine aur killed vaccine ke beech mein, that killed vaccine sirf humoral immunity induce karwata hai aur attenuated vaccine humoral as well as cell mediated dono karwata hai, jiske karan आपके मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं और बूस्टर डोजेस नहीं देना पड़ता है आपको एटेन्यूएटेड वैक्सीन के केस में। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द सेफ्टी लेवल, सो द सेफ्टी ऑफ द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, बिकॉज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में देर आर चांसेस दैट द पैथोजेनेसिसी कैन बी रिवर्टेड। वो ऑर्गेनिज्म जो है, जो पैथोजन है, वो वापस से अपने विरुलेंस फैक्टर को रीगेन कर सकता है और वैक्सीनेशन के साथ साथ वो डिजीज भी कॉज कर सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाती है एटेन्यूएटेड वैक्सीन की और एडवांटेज हो जाती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की अबाउट द सेफ्टी। एंड द थर्ड वैक्सीन कैटेगरी इज द सबयूनिट वैक्सीन। सबयूनिट वैक्सीन क्या होता है, दे कंटेन ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द पैथोजन मॉलिक्यूल्स, ओनली स्पेसिफिक प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द पैथोजन। आपका लाइव एटेन्यूएटेड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंप्लीट पैथोजन को कैरी करते हैं, बट सबयूनिट वैक्सीन में क्या होता है, स्पेसिफिक प्यूरिफाइड पार्ट ऑफ द पैथोजन एज अ वैक्सीन यूज होता है। सो दीज वैक्सीन्स यूजुअली कंटेन ओनली द एंटीजेनिक पार्ट ऑफ द पैथोजन दैट आर नेसेसरी फॉर द इम्यून एक्टिवेशन। तो यहाँ पे सिर्फ एंटीजेनिक पार्ट्स को आइसोलेट किया जाएगा और उनको यूज किया जाएगा एज अ वैक्सीन। सो द थ्री मोस्ट कॉमन अवेलेबल सबयूनिट वैक्सीन्स आर, फर्स्ट इज द इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन और हम उसको कॉमन टर्म में टॉक्सॉइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज द कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड प्रोटीन एंड नेक्स्ट इज द प्रोटीन एंटीजन्स दैट आर रिकॉम्बिनेंट वंस। तो ये तीन कैटेगरीज है, इनएक्टिवेटेड एक्सोटॉक्सिन, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ये तीन कैटेगरीज किसके हैं, हमारे सब यूनिट वैक्सीन के। अब हम एक एक वैक्सीन के एग्जाम्पल्स के साथ देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सो टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होते हैं, सो दीज टॉक्सॉइड वैक्सीन आर, दे आर प्रोड्यूस्ड और दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस डिजीज इन देयर होस्ट सेल बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन एक्सोटॉक्सिन्स। सो यूजुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज अ टेंडेंसी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स जब वो बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं, एंड बाय आइसोलेटिंग दीज एक्सोटॉक्सिन्स टॉक्सॉइड वैक्सीन बनाया जाता है। तो टॉक्सॉइड वैक्सीन्स आर द इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ दीज एक्सोटॉक्सिन्स। सो एक्सोटॉक्सिन्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म का एक सीक्रेटेड मॉलिक्यूल होता है जिसमें एंटीजेनिक पोटेंशियल होती है और वो हार्मफुल होता है, तो इसलिए उसको इनएक्टिव कर दिया जाता है और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वो एक्सोटॉक्सिन यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। सो द एक्सोटॉक्सिन्स आर ट्रीटेड आइदर विथ हीट और दे कैन बी ट्रीटेड विथ केमिकल टू इनएक्टिवेट देम, हीट करके या फिर केमिकल से ट्रीट करके उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो पैथोजेनिसिटी की प्रॉपर्टी है, उनको किल कर दिया जाता है और एक्सोटॉक्सिन्स को अब बोलते हैं हम लोग टॉक्सॉइड। सो दिस मेक देम अनेबल टू कॉज द डिजीज बट कैन स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटी टॉक्सॉइड एंटीबॉडीज विच आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द टॉक्सिन्स एंड न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट। सो बेसिकली टॉक्सॉइड के पास कोई भी विरुलेंस प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट इट हैज capability to induce the immune system because it is now antigenic. So basically toxoid kind of vaccines are used in tetanus, diphtheria, tetanus vaccine या फिर diphtheria के जो bacterial infections हो जाते हैं तो उनके cure के लिए आप अब toxoid vaccines हम देते हैं।
Another category of vaccine is the capsular polysaccharide vaccine, and the virulence of some pathogenic bacteria will depend upon the antiphagocytic property of their capsular polysaccharides. So there are certain bacteria, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर एक स्पेसिफिक लेयर ऑफ कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड कैप्सूल. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पॉलीसेक्राइड कैप्सूल्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर रेजिस्टेंस टू द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस. मतलब अगर पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है किसी पैथोजन के ऊपर तो फैगोसाइटिक सेल्स इनको रिकोगनाइज नहीं कर पाते और इनकी फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाती है. लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन जब आप इस कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लो अगर, और ये जाके इस कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड के ऊपर इंकोड कर जाए एंटीबॉडीज, तो इन एंटीबॉडीज के साथ इंटरैक्ट करके आपके मैक्रोफेजेस इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और इनको किल कर सकते हैं. तो बेसिकली फॉर दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड अराउंड देमसेल्व्स, सो दीज काइंड ऑफ सब यूनिट वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड. और इसमें क्या होता है, so first of all let's see, when you coat the capsule with antibodies then the complement factor will be activated and this will now allow the recognition of these bacteria by the macrophages and the neutrophil to phagocytosis the cell. so these kind of capsular polysaccharide jahan pe aap antibody banaoge kiske liye, in capsular polysaccharides ke liye, theek hai. so in this category the current vaccine for streptococcus pneumoniae that consists of 13 antigenetically distinct capsular polysaccharide proteins. So streptococcus pneumoniae के लिए जो वैक्सीन यूज किया जाता है that is a capsular polysaccharide subunit जिसमें 13 different types के antigenic properties होते हैं, epitopes होते हैं जिसके लिए आप antibody आपके body में बनेगा. और जो antibody बनेगा that will induce the formation of antibody जब आप वैक्सीन दोगे, that will opsonized over the surface of the capsule of the bacteria and allow their recognition by the macrophages. So this is basically a process of active immunization जहाँ पे आप एक वैक्सीन देकर सबयूनिट वैक्सीन आप एंटीबॉडी बनवा रहे हो और वो एंटीबॉडी जाके बैक्टीरिया के सर्फेस पे बाइंड करके उनका किलिंग मेडिएट किलिंग करवा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस. सो दिस इज दिस आर द कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स. तो ये बनता है किसके केस में, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के केस में. एंड ऑल्सो दीज वैक्सीन आर डिस्कवर्ड फॉर द नाइजीरिया मेनिनजाइटिस बैक्टीरियाज एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मेनिनजाइटिस. सो दीज मेनिनजाइटिस ऑर्गेनिज्म दे ऑल्सो हैज अ कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड जिसके अगेंस्ट हम सब यूनिट वैक्सीन बना के उनको टारगेट करते हैं. सो दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एंड नाइजीरिया जिनमें हम यूज करते हैं सब यूनिट वैक्सीन. ओके, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वैक्सीन इज द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. तो ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन प्रोलोंग द एंटीजन डिलीवरी एंड इंकरेज द सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज बट दे हैव द एडवांटेज ऑफ रिवर्टिंग द पैथोजेनिक. लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है उसमें वो एडवांटेज होता है कि वो सेल मीडिएटेड या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी इंड्यूस करता है और प्रोलोंग टाइम के लिए करता है ताकि रिप्लिकेशन अंदर हो और प्रोलॉन्ग एंटीजन डिलीवरी होती है. बट डिसएडवांटेज क्या होता है कि पैथोजन कभी कभी रिवर्ट बैक कर लेता है अपनी पैथोजेनिसिटी. तो इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए देयर इज द सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. सो दे विल मेंटेन द एडवांटेजेस ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन. मीन्स रिकॉम्बिनेंट वैक्टर जब आप यूज करोगे तो मल्टीप्लाई होगा वो अंदर जाके, रिप्लीकेट होगा वो अंदर जाके, बट जो मेजर डिसएडवांटेज होता है दैट इज द रिवर्ट बैक, वो यहाँ पे नहीं होगा. तो ये एडवांटेज हो गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन का. एंड इंडिविजुअल जीन्स दैट इनकोड फॉर की एंटीजेंस फॉर स्पेसिफिक पैथोजन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन दीज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन. मतलब ये वेक्टर वैक्सीन में क्या होते हैं, दीज आर द वेक्टर्स दैट हैव द पोटेंशियल टू रेप्लीकेट देमसेल्फ, ऑटोनोमस रेप्लीकेशन. और इन वेक्टर्स में वो हम वो जीन्स इंसर्ट करते हैं दैट हैज एंटीजेनिक प्रॉपर्टी और वो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में, हम उसको इंजेक्ट करेंगे वहां पे जाके वो एक्सप्रेस होगा और वो अपना प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है. सो यहाँ पे रिवर्जन की पोटेंशियल नहीं होती है. वाई, बिकॉज हम एक सिर्फ जीन इंसर्ट कर रहे हैं, हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जीन इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक पार्टिकुलर सेगमेंट इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी कोई खुद की पैथोजेनिसिटी वापस से रिवर्ट बैक नहीं हो पाएगी. तो ये बेनिफिट हो गया रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का कि वो अंदर जाके ऑटोनोमस रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है,
और मल्टीपल टाइम तक एंटीजन डिलीवरी देगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा. एंड द फर्स्ट एडवांटेज इज दिस. एंड द डिसएडवांटेज दैट इज इन द केस ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वायरस, तो यहाँ पे हम लोग उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बिकॉज फॉर अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर रिवर्टिंग ऑफ द पैथोजेनेसिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम यहाँ पे पार्टिकुलर जीन सेगमेंट यूज करते हैं, कॉम्प्लीट ऑर्गेनिज्म यूज नहीं करते हैं. तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जो है वो अभी तक सबसे ज्यादा एडवांस्ड और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल एडवांटेजेस देखा गया है. सो द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन हैज बीन प्रिपेयर्ड existing licensed live attenuated vaccines and aiding them to a gene encoding antigens present on a newly emerging pathogen. So basically they are derived from the live attenuated only, but difference kya hota hai, live attenuated mein hum complete organism ko use karte hain, but recombinant vector mein hum some part of their genome use karte hain that has a antigenic tendency. तो दीज आर द काइमेरिक वायरसेस, जहां पे कुछ वायरस के जीन होंगे और कुछ एंटीजेनिक जीन हम फॉरेन से इंसर्ट करेंगे. सो दे कैन बी मोर क्विक इन देयर एक्शन एंड दे आर मोर सेफ बिकॉज देयर विल बी नो रिवर्टिंग ऑफ पैथोजेनेसिस. सो एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं, येलो फीवर वैक्सीन दैट हैज इंजीनियर टू एक्सप्रेस द एंटीजन ऑफ डब्ल्यू एंड वी वायरस. द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज बीन प्रिपेयर्ड, और इससे हम बहुत सारे वायरसेस को, येलो फीवर वायरस का जीन जो है उसमें हम उसको एज अ वेक्टर यूज करके हम बहुत सारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के एंटीजेंस को एटेन्यूएट उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, देन यू हैव स्ट्रेप्टोकोकाई. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ सबयूनिट वैक्सीन्स एंड द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस व्हेन यू कम टू अ लेवल ऑफ मोर सेफ, मोर प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी पार्ट. एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ वैक्सीन इज द डीएनए वैक्सीन. तो डीएनए वैक्सीन में बेसिकली क्या होता है, वन सेकेंड, मसल ऑफ द रिसिपिएंट. मतलब यहाँ पे जैसे पिछले रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन में क्या कर रहे थे आप लोग, यहाँ पे एक हम वायरस ले रहे थे और वायरस को एंटीजन वाले जीन इसमें इंसर्ट कर रहे थे और उसको इन्फेक्ट करवा रहे थे. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में. बट प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक प्लाज्मिड लेते हैं, उसको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, उसमें अपना वैक्सीन में, उस वैक्सीन डीएनए वैक्सीन में हम अपना जो एंटीजेनिक प्रोटीन का जीन है उसको इंसर्ट करते हैं और वो डायरेक्टली हम इंडिविजुअल के रिसिपियंट को इंजेक्ट करवा देते हैं. सो दिस स्ट्रैटेजी बेसिकली रिलाई ऑन द होस्ट सेल टू टेक अप द डीएनए एंड टू प्रोड्यूस द इम्यूनोजेनिक प्रोटीन इन वीवो एंड दस इनिशिएट. मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप डीएनए वैक्सीन इंसर्ट करो, ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके वो एक्सप्रेस होगा, एंड आफ्टर एक्सप्रेशन लार्ज नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी प्रोड्यूस्ड. डीएनए प्रोड्यूस होगा या फिर प्रोटीन प्रोड्यूस होगा. सो दीज प्रोटीन्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एज फॉरेन पार्टिकल एंड दे विल प्रेजेंट दीज एंटीजेंस विद द एमएचसी वन मॉलिक्यूल ऑन देयर सर्फेस. और एमएचसी वन प्लस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगे योर TC cells, that is cytotoxic T lymphocyte, and इनकी वो killing करा देंगे. So by this mechanism, DNA vaccine can induce the activation of cytotoxic T lymphocytes, T cells particularly, and the DNA vaccine that you are using can directly integrate into the genome of the host cell, or they can be maintained outside the host cell as an extra chromosomal DNA in the episomal form. So basically both the ways can be possible, either these DNA vaccine will go and integrate into the host genome or they can exist as an episomal form in the extra chromosomal region and वहाँ पे वो multiply करते हैं. So basically DNA vaccine does not involve any kind of host carrier molecule जैसे कि virus, यहाँ पे direct
प्लाज्मिड वेक्टर में आप क्या करो, डीएनए को इंसर्ट कर दो जो कि एंटीजेनिक डीएनए होगा, और फिर उसको होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली डाल दो जिसको आपको इम्यूनाइज करना है। तो बेसिकली टेस्ट दिस काइंड ऑफ डीएनए वैक्सीन, ये बहुत सारे एनिमल मॉडल्स में टेस्ट हो चुके हैं, एंड इन द एनिमल मॉडल्स द डीएनए वैक्सीन आर एबल टू इंड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट नंबर ऑफ पैथोजेंस इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेबीज वायरस। तो अभी तक ये जो डीएनए वायरसेस को लेके स्टडी हो रही है वो अभी तक एनिमल मॉडल तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, और एनिमल मॉडल पे सक्सेसफुल स्टडी ऑलरेडी देखा जा चुका है इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस एंड रेबीज वायरस। ठीक है, द एडिशन ऑफ अ बूस्टर शॉट विद द प्रोटीन एंटीजन विल इनहेंस द इम्यूनिटी। और अगर आप इस बाद कुछ इंटरवल के बाद एक बूस्टर डोज दे देते हो तो ये इम्यून सिस्टम को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है। ठीक है, सो एडवांटेजेस ऑफ डीएनए वैक्सीन आर, सिंस द encoded protein is expressed inside the host cell, there will be no denaturation or modification, because आप सिर्फ DNA insert कर रहे हो और वो DNA आपके cell के अंदर जाके modify हो रहा है और express हो रहा है। So in that case, because it is being modified or it cannot be modified or denatured inside the host cell, so these are the advantages that they cannot be denatured and they cannot be modified. The second advantage is the immune response is directed to an antigen exactly as it is expressed by the pathogen. So यहाँ पे immune system जो है वो वैसे ही express होता है, activate होता है जैसे कि एक pathogen के through होता है, by activating the T cells first with the help of MHC and antigen presenting cells, followed by the activation of B cells. तो यहाँ पे cell mediated और humoral immunity दोनों एक साथ activate हो रहे हैं, similar to the normal pathogenic infection. ठीक है, so human trials are underway with several different DNA vaccines, for example for malaria, for HIV, for influenza, Ebola, herpes virus, and along with several bacterial viruses also, there are several human trials जो हो रहे हैं वो इस पार्टिकुलर डीएनए वैक्सीन को लेके हो रहे हैं। और अगर ये सारे ट्रायल सक्सेसफुल हो गए सो दीज डीएनए वैक्सीन दे आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर डिस्कवरीज जो कि आपके वैक्सीनेशन के प्रोसेस को बहुत इजी कर देगा और बहुत ज्यादा एडवांस्ड कर देगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। सो कमिंग टू अ कंक्लूजन, सो इन टुडेज क्लास वी हैव फर्स्ट सी द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन, जहां पे होता है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जहां पे होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। Coming to the active immunization part, we are providing with vaccines to induce the immune system responses, and these vaccines can be live attenuated. ये safe नहीं होता है, बस यही problem होता है, बाकी long term immunity provide करता है, but they are not safe because there are chances of reversion of the pathogen. Second is the killed pathogen or inactivated pathogen, जहाँ पे इम्यूनिटी तो इंड्यूस होती है बट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है बूस्टर डोजेस, और यहाँ पे सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, सेल मेडिएटेड नहीं होती है। नेक्स्ट इज द सब यूनिट वैक्सीन, जहाँ पे आप स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट यूज करते हो एज अ वैक्सीन। फॉर एग्जाम्पल आप टॉक्सिन्स यूज कर सकते हो इन द इनएक्टिवेटेड फॉर्म दैट आर टॉक्सॉइड, आप स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जैसे कि कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड यूज कर सकते हो एज अ वैक्सीन जो कि अंदर जाके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन, जहां पे आप क्या करते हो एक वायरस के अंदर एंटीजेनिक प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाते हो, और वो जो प्रोटीन्स बनते हैं द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, उसको आप क्या करते हो फॉर द इम्यूनाइजेशन पर्पस यूज करते हो। तो दिस इज द फोर्थ कैटेगरी, एंड द फिफ्थ कैटेगरी जो हमने आज देखा वो है डीएनए वैक्सीन, जहां पे आपको कोई भी वायरस या फिर कोई भी पैथोजेनिक मॉलिक्यूल एज अ होल यूज नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आप सिर्फ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए लेते हो जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, उसको एक प्लाज्मिड वेक्टर में इंट्रोड्यूस करवाते हो और प्लाज्मिड को डायरेक्टली आप बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हो। बॉडी के अंदर जाके वो प्लाज्मिड एक्सप्रेस होगा आइदर वाया इंटीग्रेटिंग इन टू द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल और एग्जिस्टिंग एज अ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल एपिसोड्स, और वहां एक्सप्रेस होने के बाद वो प्रोटीन बनेंगे, और बिकॉज वो प्रोटीन हमारे सेल के अंदर बन रहा है तो उसका मॉडिफिकेशन या फिर डीनेचुरेशन भी नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहेगा। एंड दीज प्रोटीन्स बिकॉज दे आर एंटीजेनिक इन नेचर, दे आर फॉरेन इन नेचर, सो दे विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द फैगोसाइटिक सेल्स, मैक्रोफाजेस, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और उनका फ्रेगमेंटेशन होने के बाद वो एमएचसी प्लस एंटीजन के फॉर्म में वो एक्सप्रेस होंगे, वो टी सेल को एक्टिवेट करेंगे, देन T
cell will activate the B cells and there will be a immune activation at a great level. तो DNA vaccine जो है वो अभी research में है और human के ऊपर से बहुत सारे trials चल रहे हैं और if it is discovered, if it is a successful discovery, then वैक्सीनेशन और द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी और डीएनए वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है टू एलिमिनेट ऑल द पैथोजेनिक प्रॉब्लम्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगे तो आप उसको लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो वीडियो को ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो. बेल आइकन को हिट कर दो टू गेट द नोटिफिकेशन जब भी मेरी कोई वीडियो आए आप जाए. एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना तो टेलीग्राम वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अनअकैडमी तो आप अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो CSIR UGC नेट की कैटेगरी में. एंड मेरा प्रोफाइल वहाँ पे होगा सुरभि कुमारी के नाम से. आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो और मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हो. और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय द सब्सक्रिप्शन फॉर अनअकैडमी तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो जो कि है Surbhi01. और ये रेफरल कोड यूज़ करने से आपको मिलेगा 10% ऑफ और साथ ही साथ अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलेगी ही जहाँ पे आपके सिलेबस को कंप्लीट कराते हुए हम CSIR UGC नेट का प्रिपरेशन आपके लिए बहुत आसान कर देंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. अगेन वी विल मीट टुमारो. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड हैव अ नाइस डे.